नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर डेमनम साइन इंजूरिया के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कुछ केस लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमनम साइन इंजूरिया की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या होता है। तो डेमनम साइन इंजूरिया एक लैटिन मैक्सिम होता है, और जैसा कि हमने इंजूरिया साइन डेमनो वाली वीडियो में बताया था कि इसको अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो डेमनम का मतलब होता है डैमेज, और डैमेज कैसा, वो मनी का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, या कम्फर्ट का हो सकता है। यानी कि मॉनिटरी डैमेज, हेल्थ का डैमेज और कम्फर्ट के डैमेज को हमने डैमेज माना। वहीं अगर हम बात करें साइन की तो साइन का मतलब होता है विदाउट, और बात करें इंजूरिया की तो इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, यानी कि किसी व्यक्ति का वो टॉर्टियस एक्ट जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है उसे हम कहते हैं इंजरी। एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया था ट्रेसपास और डेफामेशन जैसे एक्ट जिनसे लोगों को लीगल राइट का वॉयलेशन होता है। इसका मतलब अगर डेमनम साइन इंजूरिया का हम इंग्लिश मतलब देखें तो डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि ऐसा एक्ट जिससे किसी के मॉनेटरी डैमेज तो हुआ है या हेल्थ का और कंफर्ट का डैमेज तो हुआ है पर उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं डेमनम साइन इंजूरिया। दोस्तों अगर आपने इंजूरिया साइन डेमनो वाली वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, उसके लिए आप चाहें तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ डैमेज होना लॉ में एक्शनेबल नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति के लीगल राइट्स का वॉयलेशन ना हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ डैमेज होता है और उसके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है तो ये लॉ में एक्शनेबल नहीं है, उस व्यक्ति को रिलीफ नहीं मिल सकता। इस मैगजीन को हम समझेंगे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। दोस्तों मानिए एक्स नामक एक व्यक्ति है जिसने बाजार में अपनी गोलगप्पे की पानीपुरी की ठेली लगा रखी है, और वह व्यक्ति 20 रुपये में 4 गोलगप्पे लोगों को खिलाता है जो कि बहुत मशहूर है और ठेली पर बहुत भीड़ लगी रहती है। दोस्तों ध्यान से समझिए कि एक्स नामक एक व्यक्ति है जिसकी मार्केट में गोलगप्पे की रेडी है जो 20 रुपये में 4 गोलगप्पे खिलाता है। उसके इसी काम को देखते हुए वाई नामक दूसरा व्यक्ति उसकी गोलगप्पे की ठेली के बराबर में अपनी गोलगप्पे की ठेली लगा लेता है, और वह व्यक्ति 20 रुपये के 5 गोलगप्पे खिलाता है। उसका परिणाम ये होता है कि जो एक्स के कस्टमर्स थे, जो एक्स के ग्राहक थे, वो वाई की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको एक गोलगप्पा फालतू मिल रहा है, जिसके चलते एक्स को नुकसान होना शुरू हो गया। दोस्तों एक्स को जो यहाँ पर है मॉनेटरी लॉस हुआ है, यानी कि उसको डैमेज हुआ है, पर उसका कोई भी लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है। जैसे उसको राइट है वहाँ पर बिजनेस करने का, काम करने का, वैसे ही वाई को भी राइट है वहाँ पर अपना काम करने का। तो अगर एक्स नामक व्यक्ति जो है कोर्ट में केस डालता है तो ये केस कोर्ट में एक्शनेबल नहीं होगा क्योंकि एक्स को जो है किसी भी तरह का लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ। ये समझा हमने डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब। अब देखते हैं इसमें कुछ केस लॉज। पहला केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। दोस्तों एक स्कूल था जो बच्चों को ग्रामर सिखाता था। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो इस स्कूल का स्कूल मास्टर होता है जो इसी स्कूल के सामने अपना एक स्कूल खोल लेता है, और अपनी फीस जो है वो प्लेंटिफ का जो स्कूल था, जो पहले वाला स्कूल था, उससे कम रख देता है। जिसके चलते क्या होता है कि प्लेंटिफ को अपनी फीस 40 पेंस प्रत्येक छात्र, जो कि वो 3 महीने के लिए चार्ज करता था, उससे घटाकर 12 पेंस प्रत्येक छात्र 3 महीने के लिए उसने फीस तय कर दी, जिसके चलते प्लेंटिफ को 28 पेंस प्रत्येक छात्र का नुकसान होने लगा। तो इस नुकसान के लिए प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की। तो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो भी प्लेंटिफ को लॉस हुआ है उसके लिए कोई भी रेमेडी नहीं बनती है। और आगे इसी केस में ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि डैमेज के साथ साथ इंजूरिया का होना भी जरूरी है, और उन्होंने एक एग्जांपल देकर कहा कि मेरी एक मिल है और मेरा नेबर मेरे ही बराबर में एक और मिल जो है वो बिल्ड कर लेता है, जिसके चलते मुझे नुकसान होना शुरू हो जाता है, पर फिर भी मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मुझे डैमेज तो हुआ है पर मेरे लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ। पर अगर मेरा पड़ोसी, जिस पानी के स्रोत से मैं अपनी मिल में पानी डालता हूँ, उस पानी के सोर्स को डिस्टर्ब करता है या कोई और न्यूसेंस करता है तो मुझे डैमेज के साथ साथ मेरे लीगल राइट्स का भी वॉयलेशन होगा, जिसके लिए मैं रेमेडी क्लेम कर सकता हूँ। तो दोस्तों ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस में बताया गया
कि डैमेज के साथ साथ इंजरी का होना भी जरूरी है। अगर इंजरी नहीं होगी तो सिर्फ डैमेज के लिए आप किसी से रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक और केस लॉ की, चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। तो दोस्तों इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो एक मिल का ऑनर होता है, मिल ऑनर होता है जो पिछले 60 साल से अपनी मिल के लिए जो पानी का इस्तेमाल करता है वो रेन वाटर का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो वर्षा का पानी जो इकट्ठा होता है उसको निकाल कर वो इस्तेमाल करता है। पर जो डिफेंडेंट होता है वो अपने एरिए में एक वेल कुआं खोद कर उस पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि प्लेंटिव जो पानी इस्तेमाल कर रहा था उसका स्तर जो होता है वो कम हो जाता है, या ये कहें कि प्लेंटिव जो होता है वो पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके लिए वो डिफेंडेंट पर केस डाल देता है। तो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो कुआं है वो डिफेंडेंट ने अपने एरिया में खोदा, तो भले ही यहाँ पर प्लेंटिव को कम्फर्ट का लॉस हुआ हो, कम्फर्ट का डैमेज हुआ हो, पर उसके किसी भी तरह के लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ, इसलिए डिफेंडेंट जो है लायबल नहीं है प्लेंटिफ को किसी भी तरह का रिलीफ देने के लिए। तो इन दो केसेस से हमें पता लगा दोस्तों कि अगर किसी को डैमेज हुआ है पर इंजरी नहीं हुई, यानी कि उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ, तो वो किसी भी तरह के रिलीफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हमने समझा डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब, और इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।